बोलेगा फिर बोलो। अफान का भाई अनफान बना बाप। अनफान बना बाप। गुड इवनिंग एवरीवन। तो दसवां रोजा आपको बहुत दोबारा को अभी हो रहा है असर का टाइम। नमाज मेरी ऑलरेडी हो गई है, थोड़ी देर में मगरिब का टाइम हो जाएगा, रोजा खोलेगा, उसके बाद फिर हम लोग रोजा खोलेंगे। और आज थोड़ी देर में जो है रामायण भी आने वाली है, तो वो भी यहीं रोजा खोलेंगी। तो चलिए चलते हैं और इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो आवाज ये लोग आ गई पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे छुपी थी, सीने चढ़ चढ़ के आए हुए ना। तो किसका रोजा है, किसका रोजा है तुम दोनों में से? तुम्हारा असर से मगरिब का, तुम्हारा पूरा रोजा। यहाँ पे कोई था अभी, कहाँ गया? कोई तो था। तो घर के अंदर आते ये लोग आ गए छत पे, पता नहीं कौन सा गेम अब फिर से कुछ था, कोई गेम चल रहा है? नहीं कोई गेम नहीं चल रहा है, हम लोग एक दूसरे की बुराई, मतलब जो रोड पे चलते रहे उनकी बुराई नहीं कर रहा है। ये कौन सा गेम है? एक जगह एक आदमी वीडियो बना रहा है, बुराइयां कर रहे हैं, बुराइयां कर रहा है। कौन सा गेम होता है ये? अभी देखो टकले अंकल झाक रहे, ऐसा नहीं बोलते। कहां? अबे ऐसा नहीं बोला। देखो यहाँ पे जो है असर हो गया है, तो भीड़ देखो जरा बेकन में। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर देखो रूपम पे, रूपम पे तो अलग ही तूफान आ रहा है, जहर जहर भी है। चलो लाइट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर देखते हैं कि इफ्तारी में क्या बन रहा है। ठीक है, तो दसवां रोजा स्पेशल है, आलू की पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी, बैंगन की पकौड़ी, और ये क्या है, प्याज की पकौड़ी। अच्छा ये पालक की पकौड़ी है, पापड़। और आज स्पेशल डिनर में बना है चिकन कढ़ाई, जो कि कुकर में बना है। आई नो चिकन कढ़ाई के यहाँ पे हर एक अच्छी चीज़ बन रही है, सब चीज़। उसके बाद मिर्ची के पकौड़े बनेंगे, और फिर इनमा जो है वो रेडी हो रही है, मेरी ड्रामा भी रेडी हो रही है। तो अभी बज रहे हैं रात के एक, डिनर हो चुका है। डिनर में आज इन लोगों ने खाया चिकन कढ़ाई। तो अभी ये तीनों बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो चल रही इनकी मीटिंग कि इन लोगों का कुछ अफ्तार पार्टी कराना चाह रहे हैं लोग बच्चों का। तो उसमें कितनी किलो चुर्री लानी है, कितने किलो चाली के पापड़ लाने हैं, ये सब डिसाइड करेंगे ये लोग। और पकौड़ियाँ वगैरह और क्या क्या खिलाओगे बच्चों को? नुकती, आलू का चालू, और क्या क्या, दलिया। और दलिया क्या हॉस्पिटल से बुला रहे क्या रोजदारों को? रोजदारों को हॉस्पिटल से बुला रहे हो? ये तो हमारे लिस्ट है ना। या उर्सला हॉस्पिटल में करवाओगे रोज अफ्तार? मंत्राज में कराएंगे, मंत्राज में। ओ तब तो जरूर देख, एक साल के बच्चे आ रहे होंगे। ये सब मत करो, अच्छे से रोजा, ये हाँ ये अच्छी चीज है, रोजा अफ्तार कराओ, अच्छे से कराओ, बढ़िया से प्लानिंग करो, क्योंकि परसों रोजा अफ्तार है यहाँ पे, इसलिए कह रहे हैं। हाँ जी, हम लोग को नहीं क्या? तुम ही लोग तो प्लानिंग बना रहे हो। नहीं लोग तो हम लोग अपनी बातें कर रहे थे। यही बात है तुम लोग कर रहे हो कि जल्दी से बनाओ। क्या है ये सब? अरे चिलपिल हैप्पी फेस। ओफो वो देखो कैसे वो करवा रहे, जैसे उन्होंने वो पी लिया वो वोडका। हैप्पी फेस में तुम्हारा ऐसा हो गया, लाओ हमको चखा थोड़ी, लाओ। ठीक है, चीयर्स। ढक्कन तो खुला नहीं है, खोलने रुको जरा। इतना गंदा क्यों लग रहा है ये टेस्ट में? सड़े हुए एप्पल का बना है क्या? सड़े हुए एप्पल की घर पर बनती है। तो हम सब की सहरी कंप्लीट हो गई है, नमाज भी हो गई है फजर की, और उज़ैफा जो है वो नीचे खड़ा है, आज वो जा रहा है बाइक चलाने, सीखेगा बाइक,
क्योंकि बाइक खड़ी रहती है और कोई चलाने वाला नहीं है, तो सोच रहे हैं इसको बाइक सिखा दे ताकि थोड़ा यूटिलाइज करे। देखो ऊपर देख रहा है, नहीं देख रहा है तो ज़ैफ़ान सीख रहा है बाइक चलाना, और देखो कैसे चलाता है वो। समझ लो भैया गियर एक्सीलेटर क्या है। देखो देखो देखो, चलो 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 चलो, थोड़ा सा ऐसा ना हो गाड़ी उठ जाए। चलो गियर तो मारो पहले, देखना उड़ा मत देना भैया। देखे देखे कैसे चला रहे, देखे इस्लाम चलाओ चलाओ। तो आखिर कल क्रिकेट देख कर आए हम लोग, और आज मूड बना लिया क्रिकेट खेलने का, तो थोड़ी देर खेलेंगे बिकॉज रोज़ा भी तो भाग नहीं सकते। तो अभी सिर्फ 4 प्लेयर हैं जो क्रिकेट खेलेंगे, और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग को आधा घंटा गेम खेल के फिर वापस घर चले जाएंगे। तो आज है 12वां रोज़ा शायद, आज 12वां रोज़ा है, आज 12वां रोज़ा है। तो आपको दिखाएंगे पूरा दिन हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे चल रहा है गली क्रिकेट, 3-3 लोगों का मैच है, 4-4 ओवर का मैच है। मैं अभी बैटिंग टीम में हूँ, तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ। और ये देखो हिट विकेट आउट हो गया। देखिए कुछ सर्विसिंग चल रही है अभी एसी की, तो एक सर्विस करवाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी चल रही मस्त एसी की सर्विस, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था ये, तो ठंडा होगा आपकी नहीं होगा पता नहीं। वो तो ठीक है, कल खेलेंगे, अभी तो इस व्लॉग में दिखा दिया हमने क्रिकेट जो था। तो सर्विस करने के बाद ये काला पानी निकला इसके अंदर से, देख लीजिए। मतलब सर्विस मैंने पहले कराई थी लेकिन दोबारा करवानी पड़ी क्योंकि पानी इतना ज़्यादा काला निकला, और पहले जो बंदा आया था उसने बिल्कुल भी बढ़िया सर्विस नहीं की थी। तो मगरिब की अज़ान हो रही है, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, 12वां रोज़ा हो गया है। चलिए रोज़ा खोलते हैं और उसके बाद इस व्लॉग का एंड करेंगे, लेकिन पहले रोज़ा खोल लेते हैं। चलिए आलू के पकौड़े, मटर, शरबत, खजूर, चटनी, तो अभी एक बहुत बढ़िया मैंने प्रैंक किया उज़ैफ़ा के साथ, उज़ैफ़ा को बिल्कुल पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। वो वीडियो मैं अभी इसके बाद लगाने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा है, और एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई करिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताइएगा या वीडियो मुझे भेज दीजिएगा कि मैं देखूँगा कैसा बनाया आप लोगों ने। ठीक है उज़ैफ़ा, मज़ा आया था प्रैंक में? बताओ। उज़ैफ़ा भी उदास है, उसके चेहरे पे पानी कुछ ज़्यादा ही पड़ गया था, तो उसको लग रहा है कि हाँ। तो बस ये ना कि प्रैंक था, उसको पता नहीं था क्या होने वाला है, इसलिए उसको ऐसा फील हो रहा है। तुम हुक्के का पाइप लेके गए बैठी, तुम तो हुक्का पीती नहीं हो। चैलेंज तो करना था तुम्हें, विस्पर चैलेंज, लेकिन तुम लोग कर नहीं रहोगे। हेडफोन में गाने लगा दो फिर तुम कोई वर्ड बोलो। चलो करो फिर, देखते हैं कौन गैस करता है। ठीक है चलो। तो चैलेंज शुरू हो गया, रुहामा ने हेडफोन लगा लिए और इल्मा गैस करेगी मैंने गाना बजा दिया। बताओ जल्दी बताओ। ए थोड़ी सी बोलो लाइन, इतनी लंबी लाइन तो याद भी नहीं कर पाएंगे। एक लाइन बताओ, नहीं इतनी लंबी नहीं, एक लाइन बताओ। कौवे के पीछे पूरी कहानी सुना रही तुम तो। ऐसे धीरे धीरे बोलो। कौवा कौवे के पीछे लगता है, लड़की के पीछे लड़की। नहीं ऐसा बेवानी नहीं करो। कौवा 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 उड़ गया। गैस करो जल्दी, गाना सोच रहा बस। कौवा धीरे बोलो थोड़ा। कौवे के पीछे लड़का, ऐसे बोल।
कौआ उड़ गया, ऐसे बोलो ऐसे। कौए के पीछे लड़का, बोले तो बोलते कौआ, कौआ कौए के पीछे लड़का। पॉटी कर दिस। सही से गेस करो। कौआ कौआ कौए के पीछे लड़का। क्या कौआ कौए के पीछे लड़का? कौआ पलंग पे चढ़ा। फिर बोलो पीछे लड़का एक कौआ कौए के पीछे लड़का। कौआ किसके आगे नहीं समाया हुआ? कौए के पीछे लड़का पेट पे चढ़ा। नहीं चलो ये हेडफोन हटाओ, रुको हम यहाँ से पॉज कर। अब तुम इसको बताओ क्या तुमने बोला था? क्या क्या बोला था बताओ? बताओ क्या बोलता? कौआ कौए के पीछे लड़का, लड़की के पीछे लड़की, ऐसे बोली कौआ कौए के पीछे। इतनी देर कौआ के पीछे। अब रुआ इल्मा की बारी, तुझे बताओ मतलब चैलेंज रेडी, गाना यहाँ बज चुका है, जल्दी बोलो। मतलब कौआ बोलो जैफा, ओ जैफा। इतनी गंदी लाइन में आगे बोलो जल्दी, गंदी लाइन में बोलो। आगे बताओ बोलो उसको। उल्लू का पट्टा है। ओके रेडी। मैं धीरे धीरे बोलो ताकि लिपसिंग समझ पाए तुम्हारी। वो सूरज गेस करो। बच्ची सूरज के पीछे। देखो अब बस भाई हो नहीं, अब तुम ये बहुत तेज है। मैं धीरे 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 बोलो। नहीं धीरे बोल रही है, बोलो बोलो। छोटी बच्ची। क्या छोटी बच्ची? छोटी बच्ची हाँ हाँ बन गई है, बन गई बड़ी हो गई। गलत गलत बन गई, छोटी बच्ची बन गई। हाँ हाँ छोटी बच्ची बन गई। अब रुको तो पूरा सामने बोलो जल्दी बोलो। बिल्ली का बच्चा, बेबी का बच्चा। नहीं गलत, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। अब फिर से रुआमा की बारी, इल्मा गैस करेगी, जल्दी बोलो। दूर हो जाओ। क्या पान का भाई? बोल नहीं रही है। बोलो बोलो, ये बोल ही नहीं रही है। बोल नहीं रही है। बोलो चीको नहीं बोलो, तुम थोड़ा तेज बोलो ना इसके गाने में। हाँ बोल रही है बोलो। अफ़ान का भाई हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो हमको सुनाना, तो सुनाना नहीं है उसको, लिपसिंग इसकी कच करो बोलो। अफ़ान का भाई थोड़ा तेज, अफ़ान का भाई थोड़ा तेज। मिजाम चीड़ी कर रही है। हाँ अब तेज बोल रही है वो। चलो 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 ट्राई करो एक बार और। अफ़ान का भाई अल्फाज। तेज क्यों नहीं बोल रही यार, थोड़ा तो तेज बोलो। बोलो बोलो। हम इतना ही ना बोलेंगे फिर। अफ़ान का भाई अफ़ान बन गया भाई। अफ़ान भाई बन गया। बोलो ना अफ़ान, अफ़ान हो गया। फिर बोलो अफ़ान का, अफ़ान है एनी का। नहीं नहीं चलो हेडफोन निकालो, बताइए वो क्या था। निकालो हेडफोन। बोलेगा फिर बोलो। अफ़ान का भाई अनफान बना बाप। अनफान बना बाप कुछ भी। पहले भाई बना फिर वो बाप बन गया। तुम ऐसे बोलेगा, तुम्हें लिपसिंग कैच करनी। देखो मैं ऐसे बोलूँगी अफ़ान का भाई। बिल्कुल साफ समझ में आया। बोलो इधर आओ करी, अब कान में बोलते मिलते नहीं। बोलो बोलो अफ़ान का भाई, अफ़ान का भाई। आगे आगे अफ़ान का भाई माज है। अफ़ान का भाई माज है। तो हमारे जितने भी चैलेंज हुए आज तक सब में इल्मा ही जीती है, और ये वाला भी इल्मा जीती है। आप तुम बताओ, मैं ऐसे सुनती हूँ इल्मा के पास आके। जो भी है अब इल्मा ने ये दोनों गेस कर लिए, और रुहामा ने, रुहामा तुमने एक गेस किया ना? एक गेस रुहामा ने किया, दो उसने किया, यानी चार में दो वो जीते एक ये जीती। तो विनर है इल्मा। तो अभी आपने देखा विस्पर चैलेंज हम लोगों ने किया, जिसमें रुहामा हार गई और इल्मा जीत गई। तो अभी हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे, और आप सबसे बोलेंगे कि इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये तो साला घुस जाता है उसमें।
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब लोग रोजा रखें, नमाज पढ़ें। अब मिलते हैं बहुत ही जल्दी आपसे 13वें रोजे की सेहरी पे। 12वां रोजा आज खत्म हो गया है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।